हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सभी। तो आज मेरे भाई मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ ये JBN का द टेक ट्रूथ कीबोर्ड वायरलेस एंड माउस भी है इसके साथ में। कॉम्बो पैक है, खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। 449 रुपये का है, वायर्ड वाला मैंने लिंक दिया है बिकॉज वायरलेस आपको ऑनलाइन नहीं मिलने वाला है, बट वायर्ड वाला आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा क्योंकि इसकी बैटरी मैंने इसको दो महीने यूज़ करके पैक करके फिर इसकी रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग बना रहा हूँ। तो इसको यूज़ करने के बाद मुझे यही फील हुआ कि भाई वायरलेस वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं है, वायर्ड वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसको भी मैंने यूज़ किया है तो उसको आप लोग खरीद सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो अभी मेरे पास ये बॉक्स है और ये मैंने खुद ही खरीदा है। तो फिर आप लोग समझ रहे हो ना, खुद की खरीदी हुई चीज़ को आदमी सच बताता है, वो भी दो महीने यूज़ किया हूँ मैंने। एंड तब आज की वीडियो में मैं बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रुथ बोलूँगा, जो बोलूँगा वो सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ये क्या था, सॉरी, गिर ना जाए। सो विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम लेट्स फ्लिप बैक कैमरा एंड शो यू हाउ दिस बॉक्स, व्हाट इज इन दिस बॉक्स। विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम लेट्स दिस अनबॉक्स। मेरे भाई नॉर्मल सा यहाँ पे आपको लिखता है JBN द टेक ट्रूथ, जो भी मैं हमेशा से ये भी बोलता हूँ। एंड आपको मिल जाता है DPI इसका 1000 DPI, ये वायरलेस वाला है, वायरलेस ये कॉम्बो पैक है। एंड 15 mAh बैटरी लाइफ, मुझे बैटरी लाइफ उतना बढ़िया मतलब बहुत सही लगा, मतलब जो कहते हैं ना एकदम बेस्ट वाला बैटरी है। एंड भाई 10 मीटर वायरलेस ट्रांसमिशन, मतलब इसको मैंने यूज़ किया और अपने TV पे लगा कि मैंने PUBG भी खेला, भाई बहुत सही स्मूथ चलता है, इतना स्मूथ चलता है क्या बताऊं गाइस। एंड मैं रियल बोल रहा हूं, आप लोग फेक रिव्यू नहीं है, ये एकदम रियल रिव्यू। एंड ये प्रिंट ऐसा किया गया है जैसे लग रहा है रियल है, मतलब यहां से ऐसा रख दूं तो मैं पता भी नहीं चलता कि 3D प्रिंट किया गया है इसको। एंड यस, तो ये है माउस और माउस की क्वालिटी थोड़ी मुझे बेकार लगी। एंड ये मतलब होता है ना कि जो अभी मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा, यहां पे लिखा है वायरलेस माउस कीबोर्ड एंड G2200 इसकी ब्रांडिंग है और ये इसका कोड है जो आप लोग कहीं लिख देते हो तो ये आ जाता है। एंड 2.4 GHz का वायरलेस है, क्विक टच कीज़ है, एरोडायनामिक डिज़ाइन है और डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, बाहर से आपको भी अच्छी लगेगी बट अंदर की बात जानते हैं अभी, सच्चाई बताऊंगा अभी। एंड इनको इनोडमल डिज़ाइन देख सकते हैं, इसी तरह से बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी प्राइस, एंड प्राइस में काफ़ी बड़ा चढ़ा के लिखा गया है 1250, लेकिन मिल जाएगा आपको ये ओनली वाइड वाला 449 का और वायरलेस वाला 850 रुपये का। हमने इसे ऑफलाइन परचेस किया है तो यह हमें सस्ता पड़ गया है। मैं रिकमेंड करता हूँ आप भी इसे ऑफलाइन परचेस करें, आपके नज़दीकी मार्केट में जाएं और ये वाला कोड बताएं और ये नाम बताएं और उसके बाद आपको मिल जाएगा। बाय द वे, तो विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम लेट्स दिस अनबॉक्स एंड करते हैं भाई अनबॉक्स की क्या है इसमें, कैसा है ये देखते हैं भाई, क्या है मतलब समझ रहे हो आप क्या है, वही चीज़ दिखाने वाला हूँ कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड की जो एक चीज़ बोल रहे बहुत अच्छी लगी वो है ये पास रहना। नॉर्मली आप लोग बहुत सारे कीबोर्ड में देखते हो कि ये दूर रहता है, लाइक इस वाले लैपटॉप में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो लैपटॉप है इसमें जो कीबोर्ड है ये देखिए कितना कैसा है, ये देखिए इसमें गैपिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फिर इस कीबोर्ड को आप नज़र डालिए तो देखिए इसमें जो है आपको प्रेसिंग में आपको कोई ऐसे, देखिए मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ और यहाँ पे अब लिख रहा हूँ तो आपको वो फील, वो मतलब वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती है जो इस वाले कीबोर्ड में मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको नहीं यूज़ किया और इसीलिए मैंने ये वाला परचेज़ किया और ये मुझे सबसे बेस्ट लगा मार्केट में पूरे। एंड एक और चीज़, मैं इसको बंद करता हूँ एंड साइड रख देता हूँ। ओके, तो कीबोर्ड में यहाँ पे आपको एक बनाया हुआ पहले से यहाँ पे एक चार्जर का मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पे एक लाइट भी जलती है और इसको आप पीछे से यहाँ पे बैटरी लगा सकते हैं। बाय द वे मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पे बैटरी जो है नई इंसर्ट मिलती है आपको पहले से, तो हमें इंसर्ट करना पड़ता है। एंड इसको थोड़ा सा ये कर्व्ड है तो इसको आप लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे प्रॉब्लम करती हैं। तो इसको करके और ऐसे करके आप इसे उठा सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं कुछ भी, ऐसे ऐसे फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं। और इसको मैं बोलूँगा कि इसको गिरा के रखिए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पाया कि ये वाला टूट जाता है ज़्यादातर, तो ऐसा होता है। आपका भी टूटा हुआ तो बताइए कमेंट में, क्योंकि आप भी
जो है कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैंने दिखाया। और अनबॉक्सिंग में और कुछ नहीं मिलता है, ना यूज़र मैनुअल ना यूज़र गाइड, डायरेक्ट आपको ये मिलता है। और साथ ही में एक ये माउस जिसके अंदर आपको मिल जाता है वो यूज़र डॉक, जिसको आप लगा के कंप्यूटर या सीपीयू में, लैपटॉप में, जो भी जिसमें भी आप लगा रहे हैं, फ़ोन ओटीजी जिसमें भी, सारे में ये वर्क करता है। मैं इसे बताता हूँ इसकी जो सबसे बुरी बात मुझे लगी, मुझे ये लगा कि ये बॉल है, इधर उधर सारे जगह सरकेगा, बट नहीं दोस्तों, ये ओनली सीधा एंड उधर जाता है। और ये बहुत ग्लॉसी है, मतलब इससे आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हो तो मतलब ये उतना देर तक होगा, चलेगा, बट एक कहते हैं ना कि हाँ भाई आपका ये पसीना होने लगेगा, सरकने लगेगा हाथ, इसलिए। और यहाँ पे ज़ेबॉन की ब्रांडिंग की गई है, और पीछे हम इस यहाँ ऑन ऑफ का दिया गया है जैसे कि देख सकते हैं, और पीछे कुछ लिखा हो गया है। एंड हम इसे ओपन करते हैं तो ओपन इस तरीके से होगा। और यहाँ पे भी पतली वाली सेल की दो बैटरी यहाँ पे लगती है, दो सेल लगेगा यहाँ पे। ये है डॉक जिसको लगा के हम लैपटॉप में यूज़ करेंगे, तो ये डॉक है। और अब मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, एंड अब इसे शट कर देते हैं कि क्या है चीज़ें, और ये इधर से लगेगा। अब लग चुका है ये, तो फाइनली मैं एट दी लास्ट यही कहूँगा कि और चीज़ें हैं, और इसमें आपको ऊपर और नीचे की साइड और मतलब चारों तरफ ये वायर्ड और वायरलेस में दोनों ये में फंक्शन है कि ऊपर और नीचे की तरफ और साइड में थोड़ा सा कम स्पेस मिलता है, बिकॉज होना भी चाहिए क्योंकि हमें उतना मतलब होता है ना कि एक चीज़ बैठ जाता है हाथ, वही है, तो आपको ऊपर और नीचे स्पेस मिलता है, बट इधर नहीं होना चाहिए और हो है भी नहीं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, और लाइक करने से आपको मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है गाइस, प्लीज़ एक लाइक कर दो। एंड आपको ये कीबोर्ड कैसा लग रहा है बताएगा कमेंट में, अगर कोई सवाल है सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, ना ये कैसी है गाइस आप लोग बताना कमेंट में। एंड जैसे कि ये कीबोर्ड देखा, मैं कीबोर्ड हाथ में उठा लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ चुके गाइस। ये देखो ये कीबोर्ड है, साथ में वो माउस भी है, माउस निकाल लेता हूँ। सो ये देखो कीबोर्ड एंड माउस, और ये दोनों कॉम्बो पैक है। माउस मुझे बहुत ज़्यादा स्लीपी है, मतलब यहाँ से रखने में देख सकते हो कैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे दब जाता है, और हाँ हाथ में आपके फिट हो जाता है, जैसे कि देख सकते हो मेरे हाथ में तो भाई मतलब उतने अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा है मेरे भाई, लेकिन आपके हाथ में मुझे क्योंकि मेरा हाथ छोटा है। एंड ऑल्सो मैं एक चीज़ और के बारे में बात करूँगा, मैं कीबोर्ड बगल में रख देता हूँ, बिकॉज मैं हाथ ऐसे ऐसे करते रहता हूँ तो पता नहीं कीबोर्ड कहाँ चल जाए मेरे भाई। मैंने सारी चीज़ें इसमें ट्राई की, बहुत सारी चीज़ें, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जानते ही हो यार कीबोर्ड है इस्तेमाल करने से मतलब है कीबोर्ड एंड माउस है। एंड मैंने आपको जैसे कि बताया अपने हैंड में रख के, और जो चीज़ें आप देखना चाहते थे वो मेरे हिसाब से आपको मिल गई होगी। तो अगर भाई अगर मेरे भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी, फिर से मैं याद दिला देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई क्यों नहीं करते लाइक, पहले ये बता दूँ क्यों नहीं करते लाइक तुम, कि भाई कर दिया करो लाइक, तुम्हारे एक लाइक से हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है तुम्हें क्या पता, क्या पता, तुम क्या जानो एक लाइक की कीमत, यूट्यूब व्यूवर्स बाबू। एक जोक मैं फन के साथ अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करता हूँ तो आपको जिसके नहीं मालूम। एंड अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, बिकॉज आप मेरे चैनल के फैमिली मेंबर बन जाएंगे गाइस। तो नॉर्मल कीबोर्ड है, वायरलेस मेरे पास, आप वाइट भी खरीद सकते हैं। और हाँ अगर आप ये लॉकडाउन के बाद वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी आई थिंक आप लॉकडाउन में ही वीडियो देख रहे होंगे, तो लॉकडाउन में ही वीडियो देख रहे हो तो भाई ऑफलाइन परचेस कर लो, वाइड वाला परचेस करना बहुत सही है। माउस में वैसे भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि वो माउस इसका बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा अच्छी थू। एंड ऑल्सो इसका मुझे ये नहीं नोगल क्या बोलते हैं, सो ये नचाने वाला मुझे ना ऐसा लगा थू। तो ऑलराइट जैसा कि ये मैंने आपको दिखाया और दोनों हाथ ऊपर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको दिख गया होगा, वैसे अभी तक दिख गया होगा। बहुत गंदा जोक मारता हूँ ना। एंड ऑल्सो अब फाइनली आ गया है वो वक्त जिसमें हम आपको तीन अक्षरों का वर्ड बोलेंगे जिसका नाम है भाई।